आज मैं बना रही हूँ होममेड आमंड बटर। पैन में बादाम लेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट तक ड्राई रोस्ट कर लूंगी। बादाम रोस्ट हो गए हैं, इसे मैं प्लेट में निकाल के ठंडा कर दूंगी। इसमें से थोड़े बादाम निकाल के मैं साइड में रख दूंगी और बाकी के मिक्सर जार में ट्रांसफर कर दूंगी। अब इन ड्राई रोस्ट किए हुए बादाम को थिक पेस्ट होने तक ब्लेंड कर लेना है। इस प्रोसेस को 5 से 7 मिनट लग सकते हैं। थिक पेस्ट रेडी है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल और साथ में डालूंगी सी सॉल्ट। अब इसकी स्मूथ पेस्ट बनने तक इसे 3 से 4 मिनट के लिए एक और बार ब्लेंड कर लेना है। आमंड बटर अच्छे से ब्लेंड हो गया है। आप देख सकते हो कितना क्रीमी टेक्सचर आया है इसका। अब इन रोस्टेड आमंड्स को मैं कोसली क्रश कर लूंगी और इसे मैं आमंड बटर में डाल के मिक्स कर दूंगी। और ये क्रंची आमंड बटर रेडी है। इसे आप 1 महीने के लिए एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हो। ये पूरी रेसिपी आप तरलादलाल.com पे देख सकते हो और हमारे सोशल मीडिया पेजेस को भी फॉलो करो।